हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। हालांकि मैंने लेट वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको सारा जो है अपडेट दे सकूं और आप बहुत अच्छा विन कर सकते हो और बहुत ही अच्छा टीम बना के और आपका कोई भी प्लेयर मिस ना हो। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका भी कोई प्लेयर मिस ना हो और आप बहुत ही अच्छे तरीके से जीत सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से जो एनालाइज है आपको वो कर सकते हो। तो बात करते हैं विकेट कीपर पर, आपके पास दोनों ही करीबन सेम ऑप्शन है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे डिकवेला के साथ जा सकते हैं। मेरे हिसाब से डिकवेला एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे MS धोनी के साथ अलावा, ठीक है। तो बैटिंग की बात करते हैं, बैटिंग में आपके रोहित शर्मा, लुकेस राहुल जो कि 99% कन्फर्म है जो कि खेलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उपुल तरंगा को आप ले सकते हैं, धनुष्का को ले सकते हैं, दिनेश कार्तिक को ले सकते हैं, मनीष पांडे का खेलने भी लगभग तय है। यहाँ पे मैंने श्रेयस अय्यर को जो है नंबर 3 पोजीशन लगभग तय हो चुका है क्योंकि वो वनडे सीरीज में बहुत ही अच्छे खेले थे, ठीक है। बात करते हैं ऑलराउंडर की, यहाँ पे आपके पास बहुत ही अच्छे 4 ऑलराउंडर है आप देख सकते हो। यहाँ पे एंजेलो मैथ्यूज, सुशीला गुनाटके, हार्दिक पांडे और तीसरा परेरा। मैंने यहाँ पे एंजेलो मैथ्यूज और सुशीला गुनाटके को लिया है, आप चाहे तो हार्दिक पांडे और तीसरा परेरा के साथ जा सकते हो। जैसे T20 विकेट गिरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है इसलिए मैंने ज़्यादातर बॉलर्स को लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने युजवेंद्र चहल माटकर जो कि खेलने के जिसका जो है 40-60% चांसेस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुलदीप यादव को लिया है और श्रीलंका के विश्वा फर्नांडो को लिया है जिनका खेलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, मैंने रोहित शर्मा को कैप्टन एंड एंजेलो मैथ्यूज को वाइस कैप्टन रखा है जो कि हम लोग सेफ टीम के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा टीम है, ठीक है। तो आप चाहें तो अपनी हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आप चाहें तो दिनेश कार्तिक को ऐड कर सकते हो या मनीष पांडे को भी ले सकते हो, ठीक है। और अच्छा टीम बना हो, ठीक है फ्रेंड। और ट्राई करो कि ज़्यादातर जो है आप बॉलर्स कवर कर लो क्योंकि T20 में जो विकेट गिरने के चांसेस जो है ज़्यादा रहते हैं और इंडियन बॉलर के साथ जाना चाहते हो, ठीक है। तो जाओ और एक टीम ऐसा बनाओ जो कि श्रीलंका के फेवर में हो। अगर श्रीलंका जीत जाए तो आपका वो टीम जो है बहुत ही अच्छा विन कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।